Good afternoon, friends. Today we are going to learn net investment. So, what is net investment? Or we can say net domestic capital formation. We have learned the meaning of gross domestic capital formation. Now we are going to learn today net domestic capital formation or net investment. So, before net investment, one term that I want to discuss with you is depreciation. Depreciation, because when we subtract the value of depreciation, that is value of consumption of fixed capital from the gross investment, we get net investment. So therefore, we should know the meaning of depreciation. What is depreciation? In the production process, some value of some part of the capital, that is fixed capital, is lost, and that value is known as depreciation. Means during the production process, the value of fixed capital which is consumed or which is used is known as depreciation. So each year there is decrease in the value of fixed capital. For example, if you have purchased a new machine, then its value will be decreased each year. Value will not be same when you purchase and when you are using or you have used. Value will not be same, value will be decreasing as time passes. Suppose you have purchased one machine which costs ₹1 lakh. So you have purchased one machine in ₹1 lakh, and expected lifetime of this machine is 10 years. Then when we divide 1 lakh by 10, we get what? We get 10,000. We get this. So this is the loss of value. Each year means if you divide the cost of machine, value of machine, which is 1 lakh, into 10 parts, because expected lifetime of this machine is 10 years, 10 साल है इसका उम्र. तो यदि आप उस 1 लाख रुपया को जिसमें आप मशीन खरीदे हैं उसको 10 भाग में बांट दीजिए हर एक साल का, तो हर एक साल पे कितना उसका वैल्यू पड़ेगा? हर एक साल पे उसका 10,000 वैल्यू पड़ेगा. तो ये 10,000 जो हो गया वो आपका हो गया लॉस ऑफ वैल्यू ईच ईयर, और इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन. जैसे डेप्रिसिएशन जो कोई मशीन का होता है, क्यों होता है? ओल्डनेस की वजह से पुराना हो जाता है, या फिर वियर एंड टियर, उसका कुछ पार्ट टूट जाता है यूज करते करते, ये सब वजह से. तो उसका जो वैल्यू घटता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को एक और वर्ड से हम लोग यूज करते हैं, वो बोलते हैं, और वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जो फिक्स्ड एसेट है, जो प्लांट्स है, जो मशीन्स है, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. तो उसका जो कंजम्पशन हो जाता है हर एक साल, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल तो डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं डेप्रिसिएशन वर्ड यूज रहेगा और कहीं कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रहेगा यूज. तो
आपको वही काम करना है जो डेप्रिसिएशन में आप करेंगे, इसको हम लोग जनरली माइनस करते हैं ग्रॉस से, तो आपको ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों एक ही चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ध्यान से इस चीज को अभी समझ लेना है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो दैट इज द डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों सेम चीज नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है, हर एक साल जो है इसका वैल्यू घटते जाएगा, वियर एंड टियर या फिर ओल्डनेस के वजह से इसका जो है वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन लॉस ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि सडन लॉस, या तो कोई एक्सीडेंट के वजह से जैसे आग लग गया मशीन में उसके चलते कैपिटल लॉस हो गया, या कोई जो है आपको एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई कलामिटीज की वजह से जो लॉस होता है कैपिटल का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल वजह से, अनएक्सपेक्टेड वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब हम लोग जान रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है कमते जाएगा, कमते जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, ऐसा जानते हैं हम लोग, इसलिए वो एक्सपेक्टेड लॉस हुआ, ये हो अनएक्सपेक्टेड। कैपिटल लॉस हम लोग उम्मीद नहीं करते, अचानक हो जाता है, सडन लॉस ऑफ कैपिटल। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसका मतलब जो है आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएं, एंड आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला है कि जब भी नेट इन्वेस्टमेंट आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप निकालेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मालूम रहेगा उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों है, दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें, उसमें से डेप्रिसिएशन को यदि हम माइनस करेंगे तो नेट निकलेगा। याद रखना है कि जब भी नेट वर्ड रहेगा, जब भी नेट वर्ड रहेगा आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। नेशनल इनकम भी आप निकालेंगे, एनडीपी एनएनपी जो भी एन से स्टार्ट होगा, नेट जो जिसमें भी नेट रहेगा नेटवर्क, उसको निकालने के लिए हमेशा आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रॉस में से। तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये नेट। जबकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, नेट। तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है। नेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल,
फॉर्मेशन बोलते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसी फॉर्मूला को इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये वर्ड दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज इस फॉर्मूला यूज करना है। तो इस चीज को आपको याद रखना है।